उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खौफनाक मामला सामने आया है, जहां सियासत पर चर्चा करना एक शख्स की हत्या की वजह बन गया। हुआ कुछ यूं कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। बुलेरो चालक ने उसे कुचल कर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का है, जहां महोखर गांव के पास मोहम्मद अमजद नाम के चालक ने शादी में शरीक होने पहुंचे दूल्हे के चाचा को गाड़ी से रौंद दिया। ज्यादा जानकारी देते हुए महोखर गांव के पूर्व प्रधान धीरेंद्र पांडे ने बताया कि गाड़ी में 5 लोग थे। इस दौरान राजनीति पर बात होने लगी। इसी बीच राजेश दुबे का चालक अमजद से विवाद हो गया। उन्होंने मामला शांत कराया, इसके बाद वो अपने घर चले गए। चालक ने राजेश दुबे को उनके घर पर न उतार कर कुछ दूर पर जाकर सड़क पर ही उतार दिया। उतरने के बाद राजेश दुबे घर की ओर जाने लगे तो बोलेरो चालक अमजद ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, इससे उनकी मौत हो गई। हम इस गाड़ी से हम लोग 5 आदमी थे। आप साथ में थे? हाँ, हम साथ में थे। उसके बाद हम 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, हम वहाँ उतर गए और यहाँ पता चला कि गाड़ी वाले से वो योगी और मोदी को लेकर के विवाद हुआ, रास्ते में हुआ था। हाँ, बस इतने में और विवाद हुआ जब, तब ये गाड़ी रोका और कहा हटो यहाँ से, उतरो। अब ये उतर गए और इन्हीं के भाई गाड़ी किए थे बारात में ले जाने के, तो ये आगे आए और कहे कि जो है जाने नहीं देंगे, तब तो घुमा के गाड़ी चढ़ा दिया। क्या नाम था ड्राइवर का? मोहम्मद आजाद, विजयपुर की गाड़ी है। वही घटना की सूचना पर पहुंची एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने आश्वासन देकर किसी प्रकार शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये महोखर गांव है विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके सामने एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश धर दुबे था, जो बोलेरो से उतरे थे और उसी बोलेरो का चालक ने उनका दुर्घटना कर जानबूझकर उसकी हत्या की गई है, जिस पर इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्यारोपित को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना विंध्याचल अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि वादी पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बोलेरो चालक के द्वारा जानबूझकर एक व्यक्ति को गाड़ी से कुचल दिया गया है। इसमें 6 घंटे के अंदर ही जो संबंधित अभियुक्त था अमजद खान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ पर ये ड्राइवर अमजद खान ने अपने वर्जन में ये बताया है कि वो लोगों को अलग अलग जो शादी से ये आ रहे थे, बारात गई थी और बारात में ही इस बोलेरो को हायर किया गया था और कल ये बारात लौट रही थी उसी में ये बोलेरो वापस लेके आ रहा था और जगह जगह पे बारातियों को उतारते हुए लेके जा रहा था। और उसमें फिर विवाद ये हुआ कि उसने कहा कि एक ही जगह पे सारे बाराती उतर जाए, उसको अगले जो हायरिंग है, अगला जो सट्टा है वहाँ पे जाना है, इसको लेके विवाद हुआ था। बाद में उसमें से एक बाराती जो उतरे, वो उतरने के बाद में आगे जाके अचानक मुड़ गए और मुड़ने पे ये जो बोलेरो चालक है उसको टक्कर मारी और फिर फर्दर बचाने के चक्कर में उनके ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी। ये जो वर्जन था वो ड्राइवर का था। जो वादी पक्ष है उसने भी अपनी बात अपनी तहरीर में दी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में फर्दर साक्ष्य संकलन, इसमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो, कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो या अन्य जो लोग बैठे हुए थे गाड़ियों में, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी घटना होगी उसी हिसाब से फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सियासत पर चर्चा करने से नाराज एक शख्स द्वारा हत्या किए जाने का ये मामला वाकई हैरान कर देने वाला है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए मिर्जापुर से संवाददाता रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।